फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसके फर्स्ट पार्ट में हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिए हमें नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3x4। फिर इसके सेकंड पार्ट में हमें इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 12। तो इसके थर्ड पार्ट में हमसे A13 का वैल्यू पूछा गया है। तो A13 इज इक्वल टू फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी कि 19। इसी तरह A21 इज इक्वल टू सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 35। A33 इज इक्वल टू थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दैट इज -5। एंड A24 इज इक्वल टू सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट दैट इज 12। एंड A23 इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24 और हमसे पूछा जा रहा है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसमें m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। तो यही m इंटू n हमें 24 दिया हुआ है। और तो हमें ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 24 आएगा। तो वो हो सकता है 1x24, 2x12, 3x8, 4x6, 6x4, 8x3 और 12x2 और 24x1। इसी तरह इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि इसमें 13 एलिमेंट्स हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 13 एक प्राइम नंबर है, तो हमें सिर्फ ऐसे दो ही पेयर्स मिल सकते हैं, 1x13 एंड 13x1। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2x2 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी 2x2 मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, A11, A12, A21, A22, जिसमें ith रो के jth एलिमेंट को कहते हैं aij। और इसमें पहला इसके पहले पार्ट में हमें aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कहा जा रहा है। यानी कि A11 इज इक्वल टू 1+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। A12 इज इक्वल टू 1+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9/2। A21 इज इक्वल टू 2+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9/2। और A22 इज इक्वल टू 2+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। इसके हेल्प से हम अपना मैट्रिक्स लिख सकते हैं, मैट्रिक्स जिसको A कह रहे हैं। तो A इज इक्वल टू A11 21 इज इक्वल टू 2, A12 इज इक्वल टू 9/2, A21 इज इक्वल टू 9/2 और A22 इज इक्वल टू 8। इसी तरह दूसरे पार्ट में aij इज इक्वल टू i/j दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 इज इक्वल टू 1/2, A21 इज इक्वल टू 2/1 और A22 इज इक्वल टू 2/2। और इसी तरह अपना हम नेट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1, 1/2, 2 और 1। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में aij इज इक्वल टू i+2j का होल स्क्वायर। तो A11 इज इक्वल टू 1+2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 9/2। A12 इज इक्वल टू 1+4 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 25/2। A21 इज इक्वल टू 2+2 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 8। और A22 इज इक्वल टू 2+4 का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 18। और इससे हम अपना नेट मैट्रिक्स लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू
9 by 2, 25 by 2, 8 और 18. नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह होगा और इसमें हमारा जनरल 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स को इस तरीके से हम लिख सकते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 एंड A34। इसके पहले पार्ट में हमें एक जनरल टर्म AIJ दिया हुआ है 1/2 मॉड ऑफ -3i + j। तो हम पहले सारे एलिमेंट्स निकालेंगे, तो A11 हो जाएगा हमारा हाफ मॉड -3 + 1 = 1। A12 हो जाएगा हाफ मॉड -3 + 2 = 1/2। A13 हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 + 3 = 0। और A14 हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ -3 + 4 = 1/2। इसी तरह हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे और जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो होगा A = 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2। इसी तरह पार्ट टू में हमारा जनरल टर्म दिया हुआ है AIJ = 2i - j। तो हम मैट्रिक्स से लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट हो जाएगा जिसमें A11 = 2 - 1 = 1, A12 = 2 - 2 = 0। इसी तरह -1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 0 - 5 - 4 - 3 - 2। इसी तरह बस हम आई और जे का वैल्यू डालते जाएंगे और हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिसेस को इक्वेट करके एक्स वाई और जेड वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होंगे। तो और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल होने के लिए दोनों मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होने चाहिए, जिसके लिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो 2x2 मैट्रिक्स है दोनों, इसलिए हमारे दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। और हम कह सकते हैं अगर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने के लिए हम कह सकते हैं कि 4 = y होना चाहिए, 3 = z होना चाहिए और x = 1 होना चाहिए। सेकंड पार्ट में भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम पहले LHS और RHS में मैट्रिसेस के साइज ऑर्डर्स चेक करेंगे और ऑर्डर्स हम देख सकते हैं कि 2x2 है तो सेम है, इसलिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। अब तो हमारे इक्वेशंस बन जाएंगे x + y = 6, 5 + z = 5 और xy = 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि z का वैल्यू 0 होगा और यहाँ से हम y = 6 - x निकाल करके इस थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, x * x 6 - x = 8, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना लेंगे x² - 6x + 8 = 0। और यहाँ से हमारे x का दो वैल्यू आएगा x = 2, 4। तो हमारा y का भी दो वैल्यू आएगा, y = 6 - 2 = 4 और 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 - 4 = 2। तो हमारे x, y, z के दो ट्रिपलेट्स बने, x, y, z = 2, 4, 0 and 4, 2, 0। थर्ड पार्ट में भी LHS और RHS के ऑर्डर सेम है, दैट इज 3x1, और इसीलिए हम इक्वेशंस लिखेंगे x + y + z = 9, x + z = 5, y + z = 7।
इसी में x प्लस जेड का वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहाँ से y इज इक्वल टू 4 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इस फर्स्ट इक्वेशन में फिर से डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 और यहीं से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और फिर हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू डालेंगे दैट इज 4 तो हमारे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। सेवन्थ क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि हमारे LHS और RHS दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है दैट इज 2×2 तो और हम एक फिर सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। हमारे पास चार इक्वेशन और चार वेरिएबल है, चारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। एट में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और हमसे पूछा जा रहा है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स स्क्वायर तभी होता है जब उसके नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, इसी वजह से हमारे पास आ जाते हैं m इज इक्वल टू n, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो ये दोनों मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे जब इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। तो हम इक्वेशंस सारे कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें ये इक्वेशंस मिल जाएंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3, इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू 7, इस इक्वेशन से भी y इज इक्वल टू 7 और इस इक्वेशन से हमें मिल रहा है माइनस 2 बाई 3। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग x के वैल्यूज आ गए हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा ये दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे हमेशा नॉन इक्वल रहेंगे तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज नॉट पॉसिबल। नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल हैं जिनका ऑर्डर 3×3 होगा और उनके उन सारे एलिमेंट्स की एंट्री या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट दो वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या फिर 1। और किसी भी एलिमेंट का वैल्यू अगर हम चेंज कर दिए, यानी या तो 0 से 1 कर दिए या फिर 1 से 0 कर दिए, तो हमें कम्प्लीटली डिफरेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास हो सकते हैं 2 टू द पावर 9।